हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ एक्सपीरिया मॉल पर, बीच में ही कुछ व्यू मैं आपको दिखाऊंगी, तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। और बहुत बड़ा यहाँ पे मॉल बन रहा है, मैं यहीं से जा रही थी तो रास्ते में सब दिखा तो मैं अपने कैमरे में कैप्चर की हूँ। देखिए मैं मॉल दिखा रही हूँ, कितना बड़ा मॉल बन रहा है। और मैं रोड पे जा रही थी तो बाइक से जा रही थी, तो बस मैं थोड़ा बहुत शूट कर ली थी। और आप लोग का बहुत सारा कमेंट आया गेट वेल सून, थैंक यू सो मच आप सबको। और अब मैं थोड़ा ठीक हूँ तो वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है मोबाइल में जिसका मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। और अभी देखिए रुनवाल गार्डन की तरफ मैं जा रही हूँ, तो यहाँ पे ये यूरो स्कूल अभी आएगा। और हाँ, एक कमेंट मुझे एक दिन किसी का आया था एक वीडियो पे कि क्या आप स्कूल के बारे में रिव्यू दे सकते हो कि कौन सा कैसा स्कूल है, दो जो इधर स्कूल है उसके बारे में। तो देखिए मैं स्कूल का मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि स्कूल कोई भी ख़राब नहीं होता है, स्कूल सारे अच्छे ही होते हैं। और ये देखिए क्लब हाउस बन रहा है यहाँ पे रुनवाल गार्डन में, बहुत बड़ा क्लब हाउस बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है। जब बन जाएगा ना, बन के तैयार हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है। और हाँ, स्कूल के बारे में मैं ये बोल रही थी कि आपके बच्चे पे भी निर्भर करता है कि आपका बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है। जब टीचर समझाती है स्कूल में तो टीचर कभी भी गलत नहीं समझाती है, गलत नहीं पढ़ाती है। जब हम अपने बच्चे को जिस तरह से शिक्षा देते हैं उसी तरह से टीचर के भी हमारे बच्चे बच्चे ही होते हैं, तो वो भी कभी गलत नहीं पढ़ा सकते हैं। पर बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे आपके किस तरह से ले रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, कितना ध्यान दे रहे हैं स्कूल में। तो ऐसा नहीं सोचिए, कोई भी स्कूल ख़राब नहीं होता है, जो आपको अच्छा लगे आप करवा सकते हैं एडमिशन। और ये दोनों ही स्कूल बहुत अच्छे हैं, यूरो स्कूल और रेयान इंटरनेशनल जो स्कूल है, दोनों स्कूल बहुत अच्छे हैं और दोनों CBSE बोर्ड भी है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक मेरा बच्चा का सवाल है तो मेरा बच्चा इसमें नहीं है, अलग स्कूल में है। और कुछ पेरेंट्स हैं जो जिनके बच्चे ये स्कूल में हैं तो मतलब अच्छा ही बोलते हैं, कोई भी ख़राब नहीं बोलता है। और यहाँ पे देखिए ये आर गलेरिया की तरफ से अभी मैं जाऊँगी, थोड़ा यहाँ पे पलावा में मैं जा रही हूँ एक्सपीरिया मॉल। तो बीच में आज यहाँ पे एक्सपीरिया मॉल जाते से मैं रोड पे ना बड़ा गाड़ी को नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि आज चल रहा है कल्याण महोत्सव, जिसमें आने वाले हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और भी कई लोग। तो आप लोग देखते रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। और उधर से जब मैं रिटर्न आ रही थी ना एक्सपीरिया मॉल से, तो रोड इतना खूबसूरत दिख रहा था, हर जगह सजाया हुआ था कल्याण महोत्सव के लिए, तो वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो चलिए देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पे रुनवाल गार्डन की तरफ, और क्लिप शायद थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, हाँ इधर उधर क्लिप हो गया है आगे पीछे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो बहुत पुराना ऐसा वीडियो है, और बहुत पुराना मतलब 10 दिन पुराना, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 10 दिन ही पुराना है। तो क्लिप थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, तो एडिटिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और ये देखिए मॉल का यहाँ पे फिर से दिखा है, यहाँ पे मॉल के पास मैं फिर से आ गई हूँ, और यहाँ से आर गलेरिया देखिए दिख रहा है। कल्याण महोत्सव है यहाँ पे इरा ग्लोबल स्कूल के पास, और देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आने वाले हैं वहाँ पे, दोनों लोग ही आने वाले हैं।
और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह को कंट्रोल कर रहे हैं सब ट्रैफिक पुलिस, मतलब बड़ा गाड़ी को जाने नहीं दिया जा रहा है और रोड थोड़ा सा खाली खाली रखा जा रहा है। अरे देखिए नाइट व्यू है ये, जब हम आ रहे थे एक्सपीरिया मॉल से रिटर्न, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। हर जगह मतलब लाइटिंग अच्छी लग रही थी और बहुत डेकोरेट किया गया था। तो आप लोग लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को, बहुत कुछ इसमें आपको दिखने वाला है। चैनल पे अगर आए होंगे फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।